नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हुसैन सागर कोविड 19 स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि मुंबई से हैदराबाद के बीच में डेली चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कोरोना स्पेशल ट्रेन, जो कि कोविड 19 स्पेशल ट्रेन है, वो है हुसैन सागर कोविड 19 स्पेशल ट्रेन। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हैदराबाद डेक्कन अम्बरपल्ली के बीच में चलती है। 2 जून से ये ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी है। पहले कोरोना के लिए बंद हो गई थी हुसैन सागर एक्सप्रेस, अब ये कोविड 19 स्पेशल के तौर पे ये ट्रेन चलाई जा रही है। इसका ट्रेन नंबर है 02701। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये हैदराबाद डेक्कन अम्बरपल्ली के लिए रोजाना चलती है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। 14 घंटे 20 मिनट में ये मुंबई से हैदराबाद की दूरी जो है कवर कर लेती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। 16 इसके स्टेशन हैं, 787 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। कोविड 19 टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है इसे ऑपरेट करता है और ये डेली ट्रेन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई से हैदराबाद डेक्कन अम्बरपल्ली के लिए। आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको हुसैन सागर कोविड 19 स्पेशल का टिकट किराया बताऊँगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हैदराबाद डेक्कन अम्बरपल्ली तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले। इसमें सेकंड एसी के कोच हैं, जिसका मुंबई से हैदराबाद तक का जो टोटल किराया वो है 1645 रुपये, जिसमें 1471 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज जो है 45 रुपये है और 80 रुपये के करीब जो है GST चार्ज इसमें शामिल होता है। इसके अलावा हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस या कोविड 19 स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो मुंबई से हैदराबाद तक का जो टोटल किराया वो है 1165 रुपये, जिसमें 1024 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और 56 रुपये के करीब जो है वो GST चार्ज इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास के कोच का जो किराया है मुंबई से हैदराबाद तक का वो है 445 रुपये, इसमें कोई GST चार्ज नहीं शामिल होता, बेस फेयर है 395 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 30 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे हैं, जिसमें आप रिजर्वेशन करा के ही जा सकते हैं, जिसका सेकेंड एसी का किराया लगता है। इसमें टोटल किराया इसका 260 रुपये है, 230 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये है, तो टोटल किराया इसका 260 रुपये बनता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हैदराबाद डेक्कन अम्बरपल्ली तक चलने वाली हुसैन सागर कोविड 19 स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। ये जो ट्रेन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रोजाना रात के 9:50 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से हैदराबाद डेक्कन अम्बरपल्ली के लिए रवाना होगी और इसके तकरीबन जो है 16 स्टेशन हैं, 787 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी, 14 घंटे 20 मिनट में अपनी यात्रा जो है कवर कर लेगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन में पहुंचेगी। कल्याण जंक्शन में रात के 10:37 पर पहुंचेगी और 10:40 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। कल्याण जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है पुणे जंक्शन में पहुंचेगी। पुणे जंक्शन महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है रात के 1:20 पर पहुंचेगी और 1:25 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और मुंबई से पुणे की जो दूरी है 190 किलोमीटर के करीब जो है ये हुसैन सागर कोविड 19 स्पेशल ट्रेन जो है कवर यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है कुर्डुवडी जंक्शन में पहुंचेगी 4:13 और 4:15 वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 373 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद कोविड 19 स्पेशल ट्रेन या कोरोना स्पेशल ट्रेन जो है हुसैन सागर को कोविड 19 स्पेशल ट्रेन जो है वो सोलापुर महाराष्ट्र में पहुंचेगी। सोलापुर में ये ट्रेन जो है 5:40 पर पहुंचेगी और 5:45 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 452 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और इसके बाद ये ट्रेन जो है गनागापुर रोड में पहुंचेगी। गनागापुर रोड में ये ट्रेन जो है 6:48 पर पहुंचेगी और 6:50 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसका स्टेशन कोड है GUR और यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 535 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 9वें स्टेशन कालाबुरागी जंक्शन कर्नाटका में पहुंचेगी 7:17 पर और 7:20 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर
तीन मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 562 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है शाहबाद स्टेशन में पहुंचेगी। शाहबाद स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 7:41 पे पहुंचेगी और 7:42 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 592 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। शाहबाद स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है SDB। इसके बाद ये ट्रेन जो है वड़ी जंक्शन में पहुंचेगी। वड़ी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 8:35 पे पहुंचेगी और 8:40 पे वहां से रवाना हो जाएगी। वड़ी जंक्शन जो है कर्नाटका का स्टेशन है, यहां पर ये 5 मिनट के लिए रुकेगी। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी। इसका स्टेशन कोड है वड़ी WADI और यहां पर ये ट्रेन जो है 600 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद हुसैन सागर COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो चिट्टापुर में पहुंचेगी। चिट्टापुर कर्नाटका में ट्रेन जो है सुबह 9 बजे के करीब पहुंचेगी और 9 बजे ही वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 616 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है चिट्टापुर के बाद ये ट्रेन जो है मलखेड़ रोड में पहुंचेगी। मलखेड़ रोड जो है कर्नाटका का एक स्टेशन है, यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह 9:09 पे पहुंचेगी और 9:10 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और 630 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है सेरम स्टेशन में पहुंचेगी। सेरम स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 9:19 पे पहुंचेगी और 9:20 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है। 642 किलोमीटर की दूरी जो है मुंबई से सेरम तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है SEM। इसके बाद ये ट्रेन जो है तेंदूर स्टेशन में पहुंचेगी सुबह 9:44 पे और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है। ये तेलंगाना का पहला स्टेशन है और तेंदूर स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है TDU। यहां पर 9:44 पे पहुंचती है और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है और 676 किलोमीटर की दूरी जो है ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से तेंदूर तेलंगाना तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है विकाराबाद जंक्शन में पहुंचेगी। विकाराबाद जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 10:30 पे पहुंचेगी और 10:32 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 717 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। विकाराबाद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है VKB। इसके बाद विकाराबाद जो है इस ट्रेन का 14वां स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हैदराबाद के बेगमपेट में पहुंचेगी जो कि इसका 2nd स्टेशन है। बेगमपेट तेलंगाना हैदराबाद में ट्रेन जो है सुबह 11:25 पे पहुंचेगी और 11:27 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी और मुंबई से बेगमपेट की जो दूरी है 784 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होगी। इसके बाद हुसैन सागर COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो कि मुंबई से हैदराबाद के बीच में चलती है वो अपने आखिरी स्टेशन हैदराबाद डेक्कन नमपली में पहुंचेगी 12:10 पे और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेगी। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 790 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होगी। दोस्तों इसी के साथ ये COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो कि हुसैन सागर COVID-19 स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखते रहें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने इंडियन रेल मुसाफिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से ये होगा कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।